नेपाली यहाँ नए आए गांव में तो मुर्दा घर में रह जाएगा। 5-7 दिन पहले की बात है कि कहीं फिर बुढ़िया कोई मर गई है, तब दूसरे दिन नेपाली ढूंढे, जब तब अर्थली जाने के लिए मिले। प्रगतिशील किसान विद्यादत्त शर्मा द्वारा पैदावार की जा रही एक मूला का वजन 22 किलो 750 ग्राम है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बताया जा रहा है। दगड़ियाओ, जुनियाली उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत। उत्तराखंड की पहली ऑस्कर नामित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोतीबाग एक बार फिर चर्चा में है। बीबीसी ने एक महीने तक चलने वाले बीबीसी रील्स ऑनलाइन लॉन्ग शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में मोतीबाग को चुना है। यह डॉक्यूमेंट्री पौड़ी गढ़वाल कलजीखाल ब्लॉक के सांगुड़ा गाँव निवासी प्रगतिशील काश्तकार विद्याधर शर्मा पर बनी है। वे 86 वर्ष के हैं और आज भी खेती बागवानी करते हैं। दूरदर्शन के प्रसार भारती और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट के सहयोग से बनी मात्र एक घंटे की फिल्म मोतीबाग 2019 के ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। इसके बाद विश्व समुदाय का ध्यान पौड़ी जिले के सांगुड़ा गांव पर गया था। इस फिल्म का निर्देशन निर्मल चंद्र डंडरियाल ने किया है। फिलहाल मोतीबाग को बीबीसी फेस्टिवल में अव्वल आने के लिए वोटिंग की जरूरत है और वोटिंग लाइन मंगलवार 31 अगस्त रात 12 बजे तक खुली है। एक व्यक्ति 3 वोट कर सकता है। ऑडियंस अवार्ड विजेता की घोषणा बुधवार यानी 1 सितंबर को होगी। यह समारोह 13 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का गठबंधन है, जिसमें विश्व भर से 110 फिल्में नामांकित हुई हैं। उत्तराखंड की फिल्म मोतीबाग को कहानी कहने के सशक्त अंदाज की वजह से चुना गया है। दगड़ियाओ, फिल्म मोतीबाग को आपकी वोटिंग की सख्त जरूरत है। इस फिल्म को वोट करने के लिए अपने कंप्यूटर के ब्राउजर पर टाइप करें https://www.bbc.com/reel/longshots। यहां आपको मोतीबाग को वोट करने का ऑप्शन मिलेगा। इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, ताकि आप वहां से सीधे क्लिक करके इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। मोबाइल से कैसे वोट करना है, ये हम आपको स्क्रीन शेयरिंग के जरिए भी समझा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने फोन पर ब्राउजर ओपन कीजिए, फिर उसमें बीबीसी रील लॉन्ग शॉर्ट्स टाइप कीजिए। यहां आपको द लॉन्ग शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए और लोड मोर वीडियोस पर क्लिक कीजिए और नीचे आएंगे तो फिल्म मोतीबाग पर क्लिक कर देंगे। अब यहां फिल्म चलनी शुरू हो गई है, लेकिन पहले आपको वोटिंग करनी है, इसलिए अभी फिल्म को यहीं पर पॉज कर दें। और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो शामिल फिल्मों की लिस्ट में 5वें नंबर पर मोतीबाग दिखेगी। मोतीबाग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नीचे आने पर वोट नाउ का बॉक्स दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें। अब आप वोट कर चुके हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको वोट अगेन का ऑप्शन दिखेगा, इसे भी क्लिक कर दें। ऐसा ही एक बार और वोट अगेन पर क्लिक करें। अब आपकी 3 वोट सम्मिलित कर ली गई हैं। अब आप पूरी फिल्म देख सकते हैं। दगड़ियाओ, वोटिंग लाइन बंद होने में कुछ ही घंटे शेष हैं।
जुनियाली उत्तराखंड की आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को पर्सनली भेजिए, ताकि हमारी फिल्म मोतीबाग को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस वोट मिल सके और बीबीसी फिल्म फेस्टिवल का नंबर 1 खिताब अपने नाम कर सके। देखिए इस फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण अंश। श्री राम बसे हैं मंदिर में और मेरे राम खेत खलियानों में, मेरे राम खेत खलियानों में बसते हैं। पहले तो डुट्याल बोलते थे, नेपाली बोलते थे, बहादुर बोलते थे, अब तो बस सिर्फ नाम लेके पुकारते हैं बस। नेपाली यहाँ नए आए गांव में तो मुर्दा घर में रह जाएगा। 5-7 दिन पहले की बात है कि कहीं फिर बुढ़िया कोई मर गई है, तब दूसरे दिन नेपाली ढूंढे, जब तब अर्थ ले जाने के लिए मिले। बाद में कभी ऐसा नौबत आ सकती है कि भगाने का नौबत भी आ सकता है यहाँ से नेपालियों को, तो उससे बढ़िया पहले क्यों नहीं जाए। प्रगतिशील किसान विद्यादत्त शर्मा द्वारा पैदावार की जा रही एक मूला का वजन 22 किलो 750 ग्राम है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बताया जा रहा है। ऐसा है, शारिक शर्मा का खास महत्व है कि चाहे उसका उत्पादन कुछ मिलेगा, पहले तो मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो प्रगाढ़ निद्रा तो मिलेगी, आत्मीय सुख है ये सब। अच्छा जी, दगड़ियाओ, हम आपके लिए उत्तराखंड से जुड़े हर विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। ऐसे में हमें आपके सहयोग की उम्मीद रहती है। अपने घर के सभी लोगों के मोबाइल पर यूट्यूब में जाकर जुनियाली उत्तराखंड सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको उत्तराखंड के जन सरोकारों के कई वीडियो मिलेंगे। जब समय हो तो सभी वीडियो को देखिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी जरूर लिखें। धन्यवाद।